जय जगन्नाथ। वेलकम टू सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। वैसे तो सर्दी का मौसम चल रहा है और हरे भरे पालक बाजार में मिल रहा है। इससे बनाइए टेस्टी मजेदार रेसिपी पालक पनीर। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी पालक पनीर। कम समय में टेस्टी और मजेदार रेसिपी सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। पालक पनीर बनाने के लिए हमको चाहिए पालक। पहले आप पालक को अच्छे से धो लीजिए, फिर उसको यूज करिए। अब एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर पानी को बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे। जब पानी में उबाल आने शुरू हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे पालक को। उसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए गर्म पानी में, बॉईल कर दीजिए। इससे ज़्यादा मत करिए क्योंकि पालक का कलर चेंज हो जाएगा। अब हमारा पालक बॉईल होकर रेडी हो गया है। अभी एक छन्नी लेंगे, उसमें हम पालक को छान लेंगे। छानने के बाद उसको तुरंत ठंडा पानी में धो लीजिए। इससे क्या होगा कि पालक का कलर चेंज नहीं होगा, पालक का कलर ग्रीनिश ही रहेगा। अब यह रेसिपी बनाने के लिए हमको चाहिए एक बड़ा सा प्याज। प्याज को हम बारीक काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा कटकर रेडी हो गया। अब हम लहसुन को भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। लहसुन भी रेडी हो गया। अब हम लेंगे अदरक। अदरक को भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। सभी चीजें हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक जार लेंगे, उसमें हम डाल देंगे पालक को। अब ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। हमारा पालक का पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम पनीर लेंगे, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हैं। हमारा पनीर भी काटकर रेडी हो गया है। अब एक हम प्यान लेंगे, उसमें हम 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। प्यान में तेल को अच्छे से चारों तरफ में फैलाइए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम पनीर डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से पनीर में मिक्स करेंगे। फिर उसको हम टॉस करेंगे। पनीर फ्राई हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी में बिना फ्राई किए हुए भी पनीर यूज कर सकते हैं। अब हम उसी पैन में हम तेल लेंगे, फिर एक बड़ा पीसेस का बटर भी लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ बटर में ही बना सकते हैं और चाहे तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं।
बटर डालने से रेस्टोरेंट टेस्ट आ जाता है। जब हमारा तेल बटर गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा 1 टीस्पून। जीरा गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, इन सभी चीजों को तेल में हम डाल देंगे। फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। सारी चीजें का कलर चेंज होने तक हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम प्याज को इसमें भूनेंगे। सभी चीजें हमारा भूनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो पालक का पेस्ट है उसको डाल देंगे। पालक का पेस्ट डालने के बाद उसको हम मिक्स करेंगे। पालक और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर उसको हम मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद भी हम उसको मिक्स करेंगे। अब हमारा पालक भून गया। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर को। पनीर पालक को दोनों को मिक्स करेंगे। पनीर को पालक के साथ अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम डाल देंगे गरम पानी। आप हमेशा ग्रेवी के लिए गरम पानी यूज कीजिए, इससे ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। आप अपने हिसाब से गरम पानी डालिए। आप अगर आपको ग्रेवी मोटा चाहिए तो कम पानी डालिए, अगर आपको पतला चाहिए तो ज्यादा पानी डाल सकते हैं। थोड़ी देर ग्रेवी बॉईल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे क्रीम। क्रीम को डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला। गरम मसाले को भी अच्छे से हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे लास्ट में। इससे पालक पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इस रेसिपी में ज्यादा मसाला यूज नहीं की हूँ। बहुत सिंपल सा रेसिपी है। जब आपका ग्रेवी रेडी हो जाएगा तो आप इसमें लास्ट में एक बटर, छोटा पीस बटर डाल दीजिए। अब हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है। बहुत सिंपल सा रेसिपी है। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट में मुझको जरूर बताइए। इस रेसिपी का सारे इंग्रेडिएंट्स आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे पालक पनीर दिखने में कितना अच्छा और डिलीशियस लग रहा है। ऐसे ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।